कल रो रहे थे इतना। अच्छा, गांव वाले? हाँ जी सर। अच्छा, बस क्या करें, वो भी फिर रोजी बंद हो गई है यहाँ पे। अब रात को हम गए हैं, अंधेरा था। अच्छा, इस जगह चल रही नहीं थी रात ऐसे ही है। हाँ, मैंने नीचे इस्लामाबाद से देखा था, सारा वीरान था। ये नीचे रोड पे जाए तो इतना डर लगता है बंदे को, अब जाते भी बिल्कुल। फाइनली आप सबकी रिक्वेस्ट पे हम आ गए मनाल रेस्टोरेंट दोबारा से, और ये दिखाने कि अब मनाल की क्या सिचुएशन है आफ्टर शटिंग डाउन। और यहाँ पे हमने वाइल्ड लाइफ वालों से परमिशन ली है, और अंदर जाने की तो परमिशन नहीं मिली, उन्होंने कहा है कि अब इजाज़त नहीं है, सारे अमले को भी रोक लिया गया है, अब अंदर नहीं जा सकते, अंदर काम शाम हो रहा है। तो उन्होंने कहा है कि आप बाहर से रिकॉर्ड कर लो, तो अब हम बाहर से आपको कुछ व्यू दिखाते हैं मनाल का कि वहाँ पर क्या हालात चल रहे हैं। फाइनली हम इस वक्त मनाल रेस्टोरेंट के बाहर खड़े हुए हैं, जो कि बिल्कुल हर तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। अभी हम अंदर जाते हैं और जाकर आपको हालात दिखाते हैं। हम आ चुके हैं दोबारा इस जगह पे ऐसे, और आपको ये हालात देख के, ये वाला सीन देख के आपको कैसा लग रहा है यार? मतलब यहाँ पर मनाल का जो बड़ा प्यारा है, यहाँ पे वो बोल्ड लेटर्स में उन्होंने लिखा हुआ था, अंदर ये लाइटें थी, और अब तो उनकी तारें भी बाहर आ गई हैं। तारें भी बाहर आ गई हैं, खोखला हो गया सब, खोखला हो गया। और मजे की अगर मैं आपको बात बताऊँ तो ये एक प्रॉपर यहाँ पे इनका रूम हुआ करता था, जिसके अंदर से आप जब वहाँ से लोग आते थे, ऑडियंस आती थी, तो यहाँ पे मतलब एक बड़ी लाइटिंग होती थी, ये पूरा लाइटेंड था, मतलब सारे चमक रहा होता था। और यहाँ पे इसके अंदर भी उन्होंने लाइट्स लगाई हुई थी, साथ में गार्ड रूम टाइप था कुछ। लेकिन अब ये सारा आप हालात देखिए, और यहाँ पे आप देखिए किस तरह से वो सारी तोड़फोड़ की गई है, उसको मतलब तोड़ा गया मुकम्मल तौर पर, ताकि उसको एक तरह से ना साबित कर दिया जाए कि मनाल अब यहाँ पे मजीद नहीं रहा। इस वजह से उन्होंने इसको अच्छे से यहाँ से तोड़ भी दी उसकी बेस। अब मोहम्मद भाई क्या करें, अब दिल तो नहीं कर रहा वैसे अंदर जाने का, लेकिन तो हमारा भी नहीं कर रहा यार, क्योंकि अब मैं यहाँ से जो नज़ारा देख रहा हूँ इस वक्त, वो जिस तरह से वो वर्कर्स लगे हैं, तोड़ फोड़ हो रही है। क्योंकि जहाँ तक लास्ट टाइम की बात थी, तो वो तो एटलीस्ट चलो सामान एग्जैक्टली बाइज़त तरीके से वापस ले जाए। एग्जैक्टली, अब तो वो स्ट्रक्चर ही तोड़े, इनफार बर्बाद कर दिया। एटलीस्ट मेरे बस में तो नहीं है। एग्जैक्टली, मुझे तो मैं बार बार इसको देख रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। मुझे याद है थोड़े दिन पहले मैं आया था, मैंने इसी पिलर के साथ मैंने पिक्चर ली थी, और बड़े मजे की वाइब्स थी यहाँ पे रात के टाइम। चेक करें इनका जो ओ है, वो तो पूरे कंप्लीट उतर ही गया है, वो तो मुकम्मल तौर पे यूं हाथ से उखाड़ा गया। उफ यार, आइए अंदर चलते हैं और अंदर जाके आपको कुछ हालात दिखाते हैं। सर ये मनाल अभी कम्प्लीटली बंद हो चुका है? बिल्कुल जी, सब कुछ। इसको शिफ्ट वगैरह तो नहीं किया? शिफ्ट आगे किया मनाल के सेटअप चला गया सारा। जी जी, अंकल कह रहे हैं कि आगे डायनो वैली में आप लोग जा सकते हैं, क्योंकि मनाल और ला मोंटाना तो टोटली ख़त्म हो चुके हैं। ये देखिए, ये मनाल के वो पिलर्स थे जिनके ऊपर लाइट्स लगी होती थी, और आपको वो इस्लामाबाद पिंडी से नज़र आते थे, लेकिन अब इन पिलर्स की ये हैसियत है। और ये देखिए मोहम्मद, ये हट याद है आपको? ये अंदर बना होता था बड़े मज़े का, और ये पिक्चर्स में कितना फिट लगता था यार। इसकी हालत देखिए, इसकी क्या हालत बन गई है, ये देखिए। अबे यार लिटरली दिल दुख रहा है। और ये सारे वो जो कैंडी सैंडीज अंदर भेज रहे होते थे, वो सारे बाहर ला के रख दिया यार, सारा कुछ इधर से पान नोश, यहाँ से पान। एग्जैक्टली इसी से खाया था यार हमने पान, वो जो हमारी लास्ट वीडियो में हम पान खा रहे थे, यहाँ से खाया था। ना रहा पान वाला, पान वाला रहा, पान वाले का स्टॉल ना रहा, यहाँ नहीं रहा, यहाँ नहीं रहा। से ना हर तरफ से आप मायूस हो जाए या कुछ भी हो ना, आपने एक चीज हमेशा याद रखनी होती है, वो क्या है आपको पता है? देखो दुआएं हमारे हाथ में, हम दुआ तो कर सकते हैं। भाईजान आगे ये कटर और कहाँ कहाँ मार रहे हैं अभी, अभी बताइए। काफी जगह पे मार रहे हैं। अच्छा, अभी सारा कुछ उखाड़ देना है। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर है, जो बिल्डिंग है, इसका क्या फ्यूचर है? ये भी उतार दिया जाएगा? ये भी नो सर, ये नहीं उतारना। इसको रखेंगे? ये रखेंगे जो अपना सामान है इनका, वो था। अच्छा, माशाल्लाह 700 जून के रोजार खत्म। अच्छा अच्छा, 700 स्टाफ सिर्फ इस ब्रांच का था या टोटल मनाल का मिला के? सिर्फ इस ब्रांच का 700 स्टाफ। अच्छा, और माशाल्लाह ये गांव वालों को भी खाना शाना देते, वो तो मैंने सुना है ये बड़ा वो यहाँ पे जो नीचे है उनका खाना, ये बिल्कुल मैंने सुना है, गांव वालों से भी मैं मिला था, उन्होंने बताया था। कल रो रहे थे इतना। अच्छा, गांव वाले? हाँ जी सर। बस क्या करें, वो भी फिर रोजी बंद हो गई है यहाँ पे। अब रात को हम गए हैं, अंधेरा था, इस जगह चल रही नहीं थी रात ऐसे ही है। हाँ, मैंने नीचे इस्लामाबाद से देखा था, सारा वीरान था। ये नीचे रोड पे जाए तो इतना डर लगता है बंदे को, अब जाते भी बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल क्यों लाइटें इतनी चल रही नहीं होती है, वो भी चल रही है, वो भी बंद हो रही है, एकदम कोई चीज आगे आ सकती है।
और इधर तो रोड पे जगह जगह वो मनाल के वर्कर्स खड़े होते थे जी। पहले पूरी रोड पे रौनक थी गाड़ियों के मनाल की, और अब सारा कुछ बंद हो गया। आपकी भी रोजी इसी से जुड़ी हुई? लेक्यू में होता हूँ। अच्छा, लेक्यू में? हाँ जी, वहाँ पे भी 400 फैमिली की उठाई गई है। बोर्ड्स वगैरह भी मैंने लास्ट टाइम विजिट किया था, तो बोर्ड का तो वहाँ पे 5 साल हो गया बंद, खत्म हो गई ना। अच्छा, तो खत्म हो गई, बंद हो गई ना करो वो जेट सी और ये जितनी भी चीजें होती है वहाँ पे नहीं है। हम लास्ट टाइम ने विजिट किया ईद से, तो वहाँ पे नहीं था मेरा। चलो, खाली मालिक को इतनी दुआ दे रहे हैं हद से ज्यादा। अच्छा, ये मकामी लोग? हाँ जी। अच्छा। अभी भी उनको क्या पता कह रहे हैं, आधी आधी सैलरी फिर भी देंगे। अच्छा, क्या बात है जी। कोरोना में सैलरी नहीं बंद हुई, कोरोना में भी मिलती रही। अच्छा, माशाल्लाह। और मालिक माशाल्लाह सब उम्रा भी करा रहा है, और क्या चाहिए। ऐसे ही देखे ना, आवाम ऐसी तो नहीं था प्यार करती इनसे, कोई वजह है माशाल्लाह। अब क्या करें भाई, जाएंगे ड्यूटी है, पता ही 2 महीनों में नहीं मिलती। अब मानते नहीं हो, मेरा साला था वो 3 महीने होंगे उसको ड्यूटी नहीं मिली। अल्लाह, तो बच्चे का खाना पीना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे तो इस बात की हैरत हुई है, जो भाई ने बताया है कि वो यहाँ के जो मकामी लोग थे उनको इतना हेल्प किया जा रहा था। और ये तो मैं खुद भी कुछ से मिला था, उन्होंने कहा था यार हमें ये अक्सर खाना भी देते हैं रात को, खाना भी हमें दिया जाता है ऐसे ही। रेंट यहाँ से गाड़ियाँ छोड़ के भी आती थी। अच्छा, ले के भी आती है। देखो ना, खाना भी 3 टाइम का सर, सुबह नाश्ता शाम को। अच्छा, 7 दफा खाना मिलता था यहाँ, हर किस्म की फैसिलिटी उन्होंने प्रोवाइड की। बिल्कुल ऐसे ही, एम्बुलेंस भी पड़ी हुई है हमारे पास, वो तो हमने देखी है, वो बिल्कुल उधर देखी है, बिल्कुल देखी। इमरजेंसी के लिए, कस्टमर के लिए चलती है, मतलब अपना स्टाफ का कोई मसला बन जाए। ये देखिए जरा हालात, ये खम्बे शम्बे उतर रहे हैं यहाँ से, और मतलब यहाँ पे जो बड़ी रौनक होती थी हर वक्त यहाँ पे गाड़ियाँ ट्रैफिक जैम, और आज देख के यकीन करें दिल इस वक्त बहुत खून के आंसू रो रहा है लिटरली। कोई हम गरीब हैं फिर भी हमें कहते हैं यार बच्चों के इधर कोई फैमिली गेस्ट आ भी जाएं तो उनको खाना कहते हैं नहीं बेटा इनको भी टेबल दे। अच्छा, क्या बात है जी, बहुत बड़ी बात। और मालिक बहुत अच्छे थे, क्योंकि लुकमान साहब, हाँ लुकमान साहब बहुत अच्छे हैं, उनकी बड़ी तारीफें सुनी जी सर। हमें बीमार कोई हो जाए, ये आप हमारी लेडीज पे बीमार है, मानते नहीं हूँ, पता नहीं 3 लाख लग रहा है, 4 लाख रहा है, 5 लग रहा है। अच्छा, वो लगा रहे हैं। अच्छा, लगा रहे हैं। हाँ जी सर। आप ही की फैमिली पे? हमारी फैमिली से। क्या बात है, ये तो एक लाइफ प्रूफ है आपके सामने, क्योंकि कुछ लोग ना ये कमेंट कर रहे थे, कुछ लोग ये भी इवन कह रहे थे कि यार अच्छा हुआ मुनाल बंद हो गया, बड़ा महंगा था जी ये था वो था, लेकिन आप रियलिटी देखे, रियलिटी पीछे ये है कि इनके जो ऑनर है वो किस तरह से कितने लोगों का सहारा बने हुए थे। अल्लाह सबर दे। आपका नाम क्या भाई का? इरफान भाई। और ये देखिए ये मनाल के बोर्ड सारे उठ के जा रहे हैं, जो पूरी मनाल रोड पे सारे बोर्ड लगे हुए थे वो सारे आज यहाँ से लेके जा रहे हैं। ये सब मनाल के वर्कर्स वहाँ पे बैठे हुए हैं बहुत ही अफसरदगी के साथ। बस ब्रो, ये तो होना ही था एट लास्ट ये। लेकिन यार ये जो मतलब रावल डैम की जो बोटिंग वाली तुमने न्यूज बताई, ये सुन के और ज्यादा धचका लगा। ये आप यहाँ पे तारों की हालत देखिए, ये सारी वायरिंग यहाँ पे लगी होती थी, और अब देखिए आपको थोड़े से मजीद हैवी वाले सीन्स दिखाते हैं। यार वही खंबे तो रहने दो यार, बस ये देखिए खंबे भी उतारे जा रहे हैं, कोई निशानी तो रह जानी चाहिए। हम यहाँ पे कल को आए, हमें पता तो लगे यहाँ पे मनाल था कहीं। यार ये मुझे डर इस बात का है कि ऐसा ना हो कि हम यहाँ पर आए और यहाँ पर हमें कुछ नजर ही ना आए, और उधर दरख्त ही दरख्त लगे। जल्द ऐसा ही होने वाला है, जल्द ऐसा ही होने वाला है। ये देखिए मनाल की रौनकें, लाइटें ये भी ख़त्म की जा रही हैं आज, सारा कुछ कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय। तो यार ऐसा देखें यार, ये कचरा कचरा देखें आप यार, ये हालत देखें यार इस जगह की यार, सारा कुछ देख लें, ये स्ट्रक्चर भी बर्बाद होने जा रहा है यार, गिराने जा रही है ये स्ट्रक्चर, कुछ दिन बाद हमें यहाँ पे नजर नहीं आएगा। अंदर से तो सारा तोड़ फोड़ दिया, सब खत्म हो गया यार, हमारी मेमोरीज खत्म हो गई यार ये। और आप यहाँ से वो व्यू देखो जरा, इस्लामाबाद का व्यू स्टिल सलामत है, और ये तो सलामत रहेगा, लेकिन मनाल सलामत रहना चाहिए था लेकिन वो नहीं रहा। और आप ये हालात देखिए, सारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया, कम्प्लीटली तोड़ दिया गया। अंदर से कैसी, अंदर से आपको जरा आगे जाके दिखाते हैं, यहाँ पे बहुत ही नाजुक सूरत हाल बनी हुई है। वो अगर आपको अंदर दिखाई दे रहा हो तो अंदर से बहुत ही बुरे हालात है, मतलब सारा उन्होंने तबाह कर दिया, अंदर से डिस्ट्रॉय कर दिया टोटली सारा कुछ, मतलब सारा साफ शफाफ एकदम कर दिया है। और वो सामने कुछ शीशे टूट के फेंके हुए हैं, जितने भी यहाँ पे वो स्ट्रक्चर था, बिल्डिंग्स थी, ये देख रहे हैं आप सारी, इन सब के शीशे वीशे तोड़ दिए गए हैं, सब कुछ सारा कुछ मतलब कह लेंगे उजाड़ दिया गया टोटली। और आप इस वक्त भाईजान की सिचुएशन देखें,
भाईजान इस वक्त भाईजान कई बार रो चुके हैं, कई बार अफसरदा हो चुके हैं, लेकिन अब आंसू भी हमारे खुश्क हो गए। अब हम क्या करें तो क्या करें। ये देखिए, इतनी मेहनत से यहाँ पे दरख्त लगाए गए थे, कई साल लगा के इनको बड़ा किया गया था, सारा कुछ उजाड़ दिया गया है। नहीं तो दिखाना चाह रहा, तभी तो सनग्लासेस पहनी है। हाय ब्रो, ये देखिए, ये वो लाइट्स है मनाल की जो आपको दूर से सांबा से दिखाई देती थी और यहाँ पे रोड से ऊपर लगी होती थी, ये थी वो लाइट्स। और अब आप देखिए इनकी हालत। ये व्यू था जिसको देखने लोग मनाल आते थे, तो इधर बैक साइड पे भी आते थे इस व्यू को एंजॉय करने। पूरी वैली नीचे दिखाई दे रही है। ये वही विलेज है जिनकी ये बात कर रहे हैं कि जिनके साथ हेल्प हो करती है। एग्जैक्टली, ये बिल्कुल आपने बड़ी प्यारी बात बताई है कि ये जितने भी आप सामने आबादी देख रहे हैं, इन सारी आबादी वालों को मनाल रेगुलरली खाना भी प्रोवाइड करता था। जो मनाल के एम्प्लॉयज थे वो मेजॉरिटी एम्प्लॉयज इस आबादी से लिए गए थे। ये भी बड़ी बात है कि उन्होंने इन लोगों को प्रायोरिटी दी। मोहम्मद, ये जो बोर्ड है मैं इसको देखना चाह रहा हूँ कि इस पे क्या लिखा हुआ था। ओह माय गॉड, मनाल बफेट। ओह माय गॉड यार, खुदाया ब्रो। एक मिनट, आपने एक बात रियलाइज की है क्या? जो अभी रमजान शरीफ गुजरा है वो हमारा आखिरी रमजान था यहाँ पर। उफ गॉड यार, आप यकीन करें आप लोग, रमजान की जो वाइब थी ना मनाल में, जो मतलब रमजान शुरू होने वाला होता था, मनाल के इश्तेहार शुरू हो जाते थे, इतने का बफेट। और लिटरली बहुत ज्यादा मेमोरीज है यार। और अब देखिए, ये देखिए, अब ये भाई साहब यहाँ पे काफी ज्यादा, ये भी शौक मना रहे हैं। इनकी भी रोजी थी भाई, इनकी बड़ी रोजी थी, इनकी रोजी थी, यहाँ पे लोग खाना दिया करते थे यार। जी वो देख, वो देख, वो देख, ये क्या हो गया यार? ऐसा तो नहीं था, ये जिस मनाल को मैं जानता हूँ ऐसा तो नहीं था। सारा उजड़ गया, सारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया। अब ये अंदर, अगर अंदर के आप मनाजर देखें आपको मालूम हो जाएगा। ये देखिए जरा, ये देखिए, कभी यहाँ पर इतना वीआईपी एनवायरनमेंट होता था। यहाँ पे अंदर चेयर्स होती थी और किचन होते थे, यहाँ पे सिटिंग्स होती थी, सारा कुछ डिस्ट्रॉय। छोटा सा एक पॉन्ड इन्होंने यहाँ पे बना रखा था, इतना खूबसूरत, इसके साथ दुनिया आके तस्वीरें खींचती थी, इतना प्यारा था लिटरली। और अब तो देखिए जरा, पॉन्ड के पानी की भी आप हालत देख लीजिए। और ये देखिए किस तरह उन्होंने शीशे वीशे तोड़ के हाथों में पकड़े हुए सबने। ठीक है, ये जो भी हुआ है सो हुआ, ठीक है, ठीक है, रेस्टोरेंट बेशक बंद हो गया, सही है, लेकिन जो तकलीफ है वो इस बात की है कि जो 750 अमला था ना, उनको बेरोजगार कर दिया गया। असल तकलीफ इस, चलो ठीक है बंद हो गया, कस्टमर्स बड़ा हर्ट हुए, बड़ा डिसहार्ट हो गया, जी बंद हो गया, हमारी एंटरटेनमेंट खत्म हो गई। लेकिन एक तरफ एंटरटेनमेंट खत्म हुई है, एक तरफ रोजी खत्म हुई है, एक तरफ घर वाले बेचारे सारे मायूस बैठे हुए, उनका आमदन खत्म हो गई। ये चीज असल हर्टिंग है जो मतलब दिल पे लग रही है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जब यहाँ पे आता था ना, मैं इन सारे सीन्स को ना, ये इतना खूबसूरत लग रहा होता था यहाँ पे, ये इनके ये जो इन्होंने पौधे शोधे लगाए हैं और ये सारा ये स्ट्रक्चर इतना खूबसूरत लगता था लिटरली। मैं ना इनके सिनेमैटिक शॉट्स ले रहा होता था, बड़े प्यारे शॉट्स लेता था मैं इनके यहाँ पे रोड पे अंदर जाके। और अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं शॉट लूँ तो क्या लूँ, हर तरफ सीमेंट बिखरा पड़ा है, शीशे टूटे पड़े हैं, बिल्डिंग सारी उजड़ी पड़ी हुई है, करें तो क्या करें यार। ब्रो हाथ आगे करो, ये थोड़ी सी मैंने अपनी तकलीफ आपके अंदर ट्रांसफर किया। वो ऐसे नेचुरल इधर, जी जी जी, एक चीज दिखा तू इधर, क्या हो गया? अबे यार कैप्चर कर ले भाई, कर ले एक दफा कैप्चर यार इसको, मुनाल का टिश्यू यार, ऐसे नहीं यार, देख एक दफा यार इसको, ये क्या है, क्या है ये, ऐसे नहीं, ये क्या है यार, ऐसे इधर पड़ा होता है, इसको टेबल पे रखो जाके यार, जाओ यार टेबल पे तो रख लो, अबे टेबल पे तो रख लो यार, यहाँ पे टेप ला के ना इसको यहाँ से मैं जोड़ देता हूँ, ठीक है, ऐसे ही बिगड़ना। सामने खोखे से टेप लाते हैं, इधर खोखा है, उधर आगे, उधर आगे हम जाते हैं, आगे जाएंगे भी यार, ऐसा जी नहीं रोकना, ठीक है, इसको अभी हम लेकर जाएंगे साथ और इस पे टेप लगाएंगे। उठाओ इसको, उठाओ, हमेशा के लिए जो है ना ये हमारे साथ, वो देख के फटना नहीं चाहिए, उठाओ इसको, इसको मैंने पूरा यार ट्रीटमेंट कराना है। ये हम इस वक्त अपने सामने क्या देख रहे हैं वो देखिए, एक छोटी सी टिश्यू का पकड़िए, ये रखना नहीं, भूलना नहीं है इसको, फादे रखे, वो देखिए जरा क्या हो रहा है यहाँ पे, सारा कुछ उखाड़ा जा रहा है, ये देखिए। और यार ये वही नहीं है, ये जो गाड़ियां उठा उठा के साइड पे रखता होता है, ये वही क्रेन है, छोटी सी क्रेन है।
यकीन मानो ऐसा ऐसा लगा है मुझे लिटरली कि ये गाड़ी आई है अंदर से ना चीरते हुए हमें ऊपर से गई है। खैर अब तो ये वैसे भी वाइल्ड लाइफ की अंडर है, वो जो चाहे यहाँ पे करें, लेकिन हम जाहिर है एक पुराने कस्टमर होने के नाते हमें तकलीफ तो हो रही है जाहिर है, जब ये सारा कुछ उखड़ रहा है, बल्कि बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है आप देख सकते हैं। और ये जो बॉक्स है तो देखिए, एक रेस्टोरेंट था मनाल, लेकिन हमारी जो सब मेमोरीज थी ना वो बहुत ज़्यादा, मतलब बचपन से लेके आज तक बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई है, इस वजह से निशानी के तौर पे, यादगार के तौर पे, क्योंकि यहाँ पे तो आपको निशानी इन फ्यूचर पता नहीं बाकी रहती है नहीं रहती, लेकिन हम अपने साथ ये निशानी जरूर रखेंगे, ये टिश्यू पेपर्स को अपने साथ रखेंगे हमेशा के लिए। ऐसा नहीं यार, एक बात आपने बात बड़ी खूबसूरत की है, लेकिन मुझे एक बात से इख्तलाफ है। किस बात से? वो ये है कि आपने ये बोला है कि ये मैं रखूंगा जी, तो अब ये तो किसी किताब में नहीं, लेकिन इससे बिडिंग होगी प्रॉपर, इसे बिडिंग होगी और इस पे फिर तय पाएगा कि ये किसके हक में जाना है, कौन को बिडिंग करके मुझसे ये ले छीन कौन सकता, मैं तो किसी को दूंगा नहीं, मैं बिडिंग के हक में नहीं हूँ, मैं करूंगा नहीं बिडिंग इस पे। चले यार ऐसा, इसका मैंने एक हल निकाल लिया है। क्या? वो ये है कि ये डब्बा 6 महीने आपके पास रहेगा, 6 महीने मेरे पास रहेगा, मान लीजिए सोचा नहीं आपने यहाँ पे कंफर्म देने का टाइम पीरियड, स्पेशली जब आप मुझसे लेने आओगे ना डब्बा, आई थिंक वो मेरे पे काफी। देखो यार मैं समझ सकता हूँ इस वक्त सब लोग इमोशनल है, इस बार हम बहुत इमोशनल है, मैं ये भी मानता हूँ कि यार तुम इसको 6 महीने तो क्या, इसको 1 सेकंड हमसे दूर नहीं रख सकते तुम, लेकिन इशू ये है कि तुम ऐसा, तुम्हें ये भी समझना चाहिए कि अकेले तुम नहीं हो जिसको इससे मोहब्बत थी, हम भी हैं यार, हम भी हैं ऐसा, बात ये इसको समझो। तुम चाहते हो नो डाउट इसमें, इतना मैं भी इस जगह को चाहता हूँ, इस वजह से यही फैसला ठीक है कि यार हम इसको ना आधा आधा कर लेते हैं, कुछ अरसा ये मेरे पास रहेगा, कुछ अरसा आपके पास रहेगा, क्या कहते हो इस पे यार? कोई बात नहीं, इसमें मान लो। और यार देखो हमारे तुम्हारे में तो वो चीज़ है ही नहीं, मेरे पास रही तो समझो तुम्हारे पास रही, तुम्हारे पास रही तो समझो मेरे पास रही, तो इससे ये होगा ना कि दोनों थोड़ा ना अपना दुख का था, सिर्फ हम दोनों के दरमियान, इसमें तो कोई शक नहीं है, और किस और तो शक, थर्ड पर्सन तो है ही नहीं। देखो हम, हमारा तो रिश्ता मुनाल के साथ क्या था, मेरा तुम्हारा और मुनाल, हम तो एक ही हैं, हमारे में तो कोई फर्क नहीं है, ऐसे तो बस इसको आप ये डिसाइडेड हो गया है, सही है, डिसाइड कर ले, थैंक यू यार, चले आए इसको टेप शेप लगाते हैं, चलें जी चलें, सही कंडीशन में करते हैं, चलें जी लगाएं, उसके बाद इसको हम एक पैकिंग में करके प्रॉपर रखेंगे, यस, शीशे के फ्रेम में हम इसको फ्रेम में रखेंगे और प्रॉपर इसकी कवरिंग करेंगे। ओके मुनाल, मुनाल एंड फाइनली हम इस वक्त आ चुके हैं वापस इस्लामाबाद, और ये हम देखें इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं और हम मुनाल का ये डब्बा अपने साथ लेकर आए हैं, जिसका अब अभी हम इसको फर्स्ट एड देने लगे हैं, फर्स्ट एड देकर हम इसको अपने साथ ले जाएंगे। ये देखिए हमने साथ सोल्यूशन टेप रख लिया है और इसको पहले हम फर्स्ट एड देंगे, यार इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज है। देखिए इसको हम सबसे पहले तो हम ना ये जो इसका एरिया है यहाँ पे इस कॉर्नर पे हम इस तरह से ये करके एक तो टेप लगा देंगे, इससे होगा कि ये जो इसका कॉर्नर है ना ये अब सिक्योर हो गया। अच्छा ये यहाँ मुझे, 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 मुझे भी चेक कराओ थोड़ा सा। जी जी आप ये चेक कर लेते, अब ये खुलने का खर्चा यहाँ, आप ठीक है, याद रखिए इसको एक एक मेरी बात इधर मेरी तरफ करें, इसको एक टेप से कभी काम नहीं चलेगा, नहीं नहीं एक थोड़ी लगाएंगे, पूरी सॉल्यूशन टेप हम इस पे खत्म करेंगे, ये है मुनाल से मोहब्बत का असल सबूत, ये आराम आराम, अब देखिएगा मैं करने क्या लगाऊ, ये यहाँ तक आई बहुत एहतियात से, क्योंकि सॉल्यूशन टेप भी जब आप खींचते हो ना तो डब्बे को खींच पड़ साल करना है, ये देखिए ये हम इसको ऐसी मुरम्मत करेंगे कि इंशाल्लाह ताला जब तक हम हैं तब तक ये डब्बा रहेगा। ये देखिए मनाल का लोगो पे कंप्रोमाइज नहीं, ये बात ये अपने सही बात की है, बैक वाला कंप्रोमाइज होगा लेकिन हम ये थोड़ी देर बाद इसको फोल्ड कर देंगे, काट देंगे, हाँ। लेकिन फिलहाल इसको यहाँ से काट देंगे, और कंप्रोमाइज देखो मुनाल 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 कायम रहेगा ना हमेशा, exactly, उसी के लिए तो नहीं, तो हमारा तो मकसद यही है ना, तो मुनाल को कायम रखना है, कम से कम ना हमें ये पता हो गया अब ये खुलेगा नहीं साइडों को खुलेगा नहीं, अब ये जो इसके साथ तूफानी बदतमीजी हुई है इसको हम थोड़ा सा कवर करेंगे, ये मुनाल की मोहब्बत हमारे दिलों में है और हमेशा रहेगी, ये मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं, ये आप सबकी भी मोहब्बत है इससे, लेकिन रिप्रेजेंट अकेला सिर्फ मैं कर रहा हूँ अपने इस प्लेटफॉर्म के जरिए, लेकिन ये आप सबकी मोहब्बत, ये बात है, हमें ट्रस्ट नहीं है ना किसी पे, ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि बेटिंग करके लोग ले उसके बाद क्या पता केयर करें ना, अभी भी तो देखे ना मुनाल का हमने जैसे उससे छोड़ दिया तो तब क्या हाल हुआ उसका, एग्जैक्टली ऐसे ही है, ये देखिए माशाल्लाह से कितना सेट हो गया ये, और बस ये एक लास्ट कॉर्नर रह गया इसको भी हम सेट कर लेते हैं, ये आराम यो यार, ये माशाल्लाह फाइनली पूरे डब्बे को हमने फर्स्ट एड दे दिए, और अब आप जरा देखिए अब इस पे कोई खदशात का खतरा नहीं है,
अब हम घर जाके क्या करेंगे, हम इसको घर लेकर जाएंगे और खैर उसके बाद हम घर जाके यहाँ पे कुछ जगहों पे इसकी प्रॉपर स्टिचिंग करेंगे, कॉर्नर्स पे खास तौर पे हम स्टिचिंग करेंगे और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि फ्रेम लेकर इसको उसमें रखवाएं और उसके बाद 6 मंथ से मेरे पास रहेगी, 6 मंथ मोहम्मद के पास। लेकिन मोहम्मद फर्स्ट 6 मंथ बहुत ज्यादा जज्बाती है, ये मेरे पास रहेगी लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटी, आप आ जाए करना मेरे पास मिलने, डन फर्स्ट 6 मंथ मैं तो रोज मिलने आया करूंगा, आप भी देख लिया करना, लेकिन फर्स्ट 6 मंथ मैं इसको रखूंगा प्लीज। चले ठीक है यार, आपके लिए मेरे लोगों को दिखाना भी होगा बार बार। हाँ हाँ ठीक है, चलो सही हो गया, चले इसको लेकर जाते हैं, इसको लेकर चलते हैं और जाकर हम करते हैं। यार मेरे एक दफा इसके साथ तस्वीर हो जाए, कितना यार नरम मुलायम, बहुत मुलायम है। और आप ऐसा करें ना कि आपके हाथ का प्रेशर नहीं इंसर्ट होना चाहिए सर, बिल्कुल ऐसा करें कि बस कि आपके हाथ के ऊपर पड़ा रहे, पड़ा रहे। हाँ, कोई अपवर्ड अपवर्ड फोर्स अप्लाई होनी नहीं चाहिए, बस ये डाउनवर्ड इसका वेट जो है बस वही हो और बिल्कुल बस। हाँ, एक मिनट ठहरे, मुझे देखने दे, आपने इस पे नीचे से फोर्स होने लगाई, आप एक मिनट नहीं, आप फोर्स लगा रही है, आप हाथ ऐसे ही रखें, ये बस अपने वजन पे पड़ा है तो पड़ा है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, मुनाल एक दफा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जी जी जी, MONAL मुनाल मुनाल मुनाल, स्पेलिंग एक बार दोबारा प्लीज आप पढ़ देंगे, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, आपने पढ़े पढ़े वो उससे नहीं देख के जरा वो फिंगर रख के प्लीज, देख नहीं सकता यार इसको, देख नहीं सकता, लेकिन अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो देख लूंगा, प्लीज 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 रिक्वेस्ट आपसे प्लीज। जी 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 जी, आप आराम से रिलैक्स करें, आप बिल्कुल रिलैक्स करें, पहले रिलैक्स करें आप, उसके बाद पढ़ें। जी गुड, आई एम गुड, ओके, सो द स्पेलिंग जी एम जी ओ ओ ओ ए एन ए एल ओ ना ओ ना।